हेलो गाइस, आशीष है फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप वीवो के Z1 Pro में या वीवो के किसी भी फोन में फाइल्स को हाइड कर सकते हैं। कई बार होता है कि कुछ फाइल्स या कुछ डॉक्यूमेंट है उसको आपको हाइड करना है। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं। Z1 Pro या किसी भी Vivo के फ़ोन में एक आई मैनेजर का एप्लीकेशन है, इसको आप ऑन कर लीजिए। इसमें आप स्क्रॉल करिए और जो मोर का ऑप्शन है उसको दबाइए, फिर आपको मिलेगा फाइल सेव का ऑप्शन। मैं आपको एक क्लोज लुक दे दे रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं फाइल सेव का ऑप्शन है, आप इसको टैप करिए। मैं पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हालाँकि मेरा फेस अनलॉक सेटअप है। जब भी आप पहली बार करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड वगैरह सेटअप करवाएगा, 6 डिजिट का पासवर्ड है। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी फाइल्स को डालेंगे वो आपका सेफ हो जाएगा। तो मैं पिक्चर में जाता हूँ और यहाँ मूव इन सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं कैमरे पे जाता हूँ और मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये वाला फाइल मुझे सेव करना है, ये दोनों को, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और मूव इन पे करता हूँ, ये चला गया इसके अंदर। तो ये बेसिकली क्या करता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर में उसको मूव कर देता है। हाइड करने का मतलब इतना ही है कि जो भी फाइल्स हैं वो उसको अपने एक आई मैनेजर एप्लीकेशन के फाइल में डाल देता है और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता है। आप जब यहाँ से एग्जिट करेंगे और अगर मैं फ़ोटोज़ में जाता हूँ या एल्बम्स में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे मेरा वो इमेज नहीं मिलेगा। उस फाइल को वापस एक्सेस करने के लिए आप आई मैनेजर में जाइए, फाइल सेफ में जाइए, वापस आप यहाँ पर पासवर्ड आपको देना होगा, तो मैं पासवर्ड दे दे रहा हूँ और यहाँ पिक्चर में जाऊँ और फिर ये एक्सेसिबल है। एक और तरीका है फाइल्स को सेव करने का, वो है फाइल मैनेजर के थ्रू। तो आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए, वीवो के अंदर इनबिल्ट है, उसमें फाइल सेफ में जाइए, वापस आपको उसी स्क्रीन पे ले जाएगा और यहाँ पे वापस आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। अब मान लीजिए आप कोई फाइल है उसको डायरेक्टली उसको वहाँ डालना चाहते हैं, तो आप किसी को भी सेलेक्ट करिए, मोर में जाइए और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मूव इन टू फाइल सेफ, इसको सेलेक्ट करिए। वापस आपसे पासवर्ड मांगेगा तो आप पासवर्ड या फेस से अनलॉक कर लीजिए और ये ऑटोमेटिकली उसको मूव कर देगा। आप देख सकते हो फाइल यहाँ से गायब हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने Vivo Z1 Pro में फाइल्स को हाइड कर सकते हैं किसी भी Vivo के फ़ोन पे, जिसके अंदर आई मैनेजर ऐप है उसको यूज़ करके आप अपने स्पेशल फाइल्स को, कोई भी प्राइवेट फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पर। देखने के लिए धन्यवाद।